हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं कैंसर कंप्लीट रिवीजन। तो कैंसर मैं तुम्हारा कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो जिन बच्चों को भी बहुत डिटेल में पढ़ना है वो जाके क्लासेस देखना। और एक रिवीजन टाइप का है जहाँ से तुम्हारे जितना भी मैंने कराया था उसके हिसाब से हम एक बार रिवाइज कर लेते चीज़ों को, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आज हम रिवाइज करने वाले हैं। सो अगर मैं बात करती हूँ फ्री क्लासेस की, तो जो मेरी फ्री क्लासेस होती हैं वो तुम्हारी यूट्यूब पे होती हैं एक, और एक होती हैं अन अकेडमी पे। तो अगर यूट्यूब वाली क्लासेस की बात करती हूँ तो मेरी 10:30 पे एक क्लास होती है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और नॉर्मली 4 बजे जो होती है रेगुलर क्लास होती है। अगर अन अकेडमी की बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरी क्लासेस जो होती हैं उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने से क्या होगा कि जब भी मेरी क्लास होगी ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप फॉलो कर लीजिए, उसके बाद यू कैन ज्वाइन। यहाँ पे होती है अन अकेडमी पे एक प्लस क्लासेस, या फिर उन्हें बोलते हैं पेड क्लासेस। पेड क्लासेस का मतलब क्या है, आपको पेमेंट करके यहाँ पे आना पड़ता है। सो अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी है, आपको सारा सारा कोर्स ख़त्म करना है, और कोर्स के साथ साथ आपके मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी प्रैक्टिस करनी है, क्विजेस होती हैं, डाउट सेशंस होते हैं, और जो तुम्हारे नोट्स हैं वो PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं, तो अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप प्लस पे आ सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसके लिए प्लस प्ले स्टोर पे जाना होगा, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा। आप जैसे इस ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको सर्च करना है CSIR UGC NET, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। आप 3 मंथ्स का ले सकते हैं, आप 6 मंथ्स का ले सकते हैं, 12 मंथ्स का ले सकते हैं, 24 मंथ्स का ले सकते हैं। आई थिंक 12 मंथ्स और 6 मंथ्स वाला ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इससे क्या होता है आपका रेगुलर जब क्लासेस होंगी तो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और कोर्स के साथ साथ आप जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। जितने टीचर्स भी आपको उस टाइम पर पढ़ा रहे हैं आप सभी क्लासेस ले सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हो जाता है। आप कुछ भी अच्छा पढ़ना चाहते हैं, कुछ किसी टीचर का आपको कुछ अच्छा लग रहा है, किसी टीचर का कुछ अच्छा लग रहा है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो लाइव क्लासेस होती हैं वहाँ पर बहुत सारी, तो आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। अबाउट 866 पर मंथ जाता है। अगर मैं 12 मंथ्स वाले की करती हूँ तो आप आई थिंक इसके हिसाब से बहुत कम अमाउंट बनता है, तो अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है। लेकिन आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं विच इज़ कुमकुम10। कुमकुम10 यूज़ करने से क्या होगा, आपको 10% ऑफ मिलेगा, और आपको मेरे कोर्स के साथ साथ जितने भी CSIR UGC NET के टीचर्स हैं आपको सबके कोर्सेज मिलते हैं। तो आप ये कुमकुम10 अप्लाई कर सकते हैं, इसे काफ़ी आपको 10% ऑफ मिलेगा। 10,395 आपको पे करना होगा, 1 साल का अगर ये अमाउंट है, तो आपको इसको याद रखना है। अगर आप आना चाहते हैं प्लस पे तो आ सकते हैं। देन आपको करना है प्रोसीड टू पेमेंट। आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलेगा बाय अप्लाइंग कुमकुम10। आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आप EMI के थ्रू कर सकते हैं, आप UPI के थ्रू कर सकते हैं, वॉलेट या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर मैं डेबिट कार्ड की बात करती हूँ तो यहाँ पे वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, जो भी किसी के पास है वो सब यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 10,395 जो रुपीज़ हैं आप इनको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं प्लस पे तो आप आ सकते हैं। आप UPI के थ्रू वॉलेट नेट बैंकिंग पैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अन अकेडमी ऐप पे जाना है, CSIR UGC NET को सर्च करना है, और सब्सक्रिप्शन ले लेना है बाय अप्लाइंग अ कुमकुम10, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, और मेरे कोर्स के साथ साथ जितने भी CSIR UGC NET के टीचर्स हैं आपको सबके कोर्सेस मिल जाते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। पहले मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, जल्दी टाइप का रिवीजन होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले चीज़ों पे। तो ये तुम्हारा वैसे वाला रिवीजन होगा। अगर मैं कैंसर सेल की और अगर नॉर्मल सेल की डिफरेंस की बात करती हूँ, जो कैंसर सेल्स होती हैं वो तुम्हारी अनकंट्रोलेबली डिवाइड कर सकती हैं, मतलब उनको कोई कंट्रोल वाली चीज़ नहीं है, वो इतना प्रोलिफरेट कर सकती हैं कि वो एक जगह पे जहाँ पे तुम्हारी सिर्फ 4 सेल आ सकती थी, अब वो वहाँ पे 20-50 सेल आ रही हैं। तो मतलब वो डिवाइड करती हैं अनकंट्रोलेबली। दिस कैन रिजल्ट इन द ट्यूमर्स, और इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ट्यूमर्स हो जाते हैं जो तुम्हारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देंगे, तुम्हारे लिए फेटल हो सकते हैं, लीथल हो सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आती होंगी। क्या होता है, वैसे तो तुम्हारी नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स तुम्हारी फंक्शन कर रही हैं, अगर इस नॉर्मल सेल्स में कोई भी म्यूटेशन हो जाए, या फिर कोई भी डिसफंक्शन हो जाए, या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, इफ़ दे कन्वर्ट इनटू द कैंसरस सेल, अगर वो कन्वर्ट हो जाती है कैंसर सेल्स में, तो उनके बहुत सारी जो चीज़ें हैं इंक्रीज़ हो जाती हैं, जैसे प्रोलीफरेशन रेट बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा,
अपोप्टोसिस होगी नहीं, क्योंकि अपोप्टोसिस का मतलब होता है कि किसी सेल को तुम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको डेथ करवा रहे हो, लेकिन अगर नॉर्मल सेल कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं तो वहाँ पे जो अपोप्टोसिस वाला प्रोसेस है वो नहीं होता है, क्योंकि वो सेल को मरने नहीं देंगे, इमोर्टल बना देते हैं उसको, हमेशा जिंदा रहेगा, अमर हो जाती हैं सेल्स, ठीक है, इमोर्टल। तो ये चीज़ें याद रखनी है। इट इज़ रिजल्ट इन एबनॉर्मल प्रोलीफरेशन ऑफ द सेल्स, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोलीफरेशन हो जाएगा, एक सेल का तुम्हें 1000 सेल देखने को मिल जाएंगे, तो इतना प्रोलीफरेशन हो जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे ही। कैंसर इज डिफाइंड एज अ कॉन्टिन्यूस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर, अगर मैं कैंसर सेल्स की बात करती हूँ। बिनाइन ट्यूमर क्या है, एक एक ऐसा ट्यूमर है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो गया, जैसे तुम्हारा ये माना तुम्हारा ब्रेन में हुआ, ठीक है, ब्रेन में इस रीजन पे हो गया, ये जो ब्रेन में हुआ है तो ये यहीं रहेगा, ये तुम्हारे किसी और ऑर्गन में नहीं जाएगा, किसी और टिश्यू में नहीं जाएगा, वो यहीं ब्रेन के इसी ऑर्गन में रहेगा, किसी और ऑर्गन में जाके तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, ये अपना जो सेल्स है कहीं और नहीं भेजने वाला है, वो वहीं रहेगा। तो ये होता है बिनाइन ट्यूमर। कभी कभी क्या होता है, इसका कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है पूरी लाइफ, कभी कभी लोगों को तुमने देखा होगा इतने सारे बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं और उन इंसानों को पूरा लाइफ इनकी ख़त्म हो जाती है और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी किसी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो इतना फेटल नहीं होते हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है इजीली। अगर मैं बात करती हूँ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा फेटल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये तुम्हारे ऑर्गन में, इस वाले ऑर्गन में होने हैं, वो पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू कहीं ना कहीं तुम्हारे दूसरे ऑर्गन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो फैलाते हैं चीज़ों को। मतलब जो बिनाइन था वो एक जगह बैठा हुआ था तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था, शांति से उसको एक जगह बैठा दिया। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो शांति से नहीं बैठता है, उसको चाहिए घूमना। वो क्या करता है, ब्लड के थ्रू घूमेगा तुम्हारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, वहाँ पे अपना सेल्स का वो छोड़ेगा और वहाँ पे कैंसर कॉज करता है, तो उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा फेटल होता है, बहुत ज़्यादा फेटल होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। सो बिनाइन ट्यूमर की अगर बात करती हूँ, स्टेज कन्फाइंड टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। तो जैसे माना अगर ये इस वाले ऑर्गन में हुआ था तो वहीं रहेगा और उसके बाद वो कहीं और नहीं जाने वाला है। वाइल द मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर कैपेबल ऑफ इन्वेडिंग सराउंडिंग टिश्यूज और इन्वेडिंग द एंटायर बॉडी, मतलब इतना घूमने का शौक है इनको, हो सकता है टिश्यूज में घुस सकते हैं, हो सकता है पूरे बॉडी में भी चक्कर लगा सकते हैं। तो ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं बहुत ज़्यादा फेटल होते हैं। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरस सेल्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैंसरस सेल्स की क्या प्रॉपर्टीज थी और नॉर्मल सेल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेसिकली डिफरेंस है कि अगर मेरे पास पूछा जाता है कि कॉन्टेक्ट सेल नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस है और कैंसरस सेल्स में क्या डिफरेंस है, तो पहला आता है कॉन्टेक्ट इनिबिशन। कॉन्टेक्ट इनिबिशन का मतलब क्या होता है, ये एक रेगुलेटरी फिनोमेना है, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो तुम्हारी नॉर्मल सेल यूज करती है। जैसे तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, एक बेसिक लेयर जब बन गई तो सेल्स को पता चल गया कि सब लोगों को अपनी अपनी जगह मिल चुकी है, सब लोग अपनी अपनी सीट ले चुके हैं, तो मतलब अब ग्रो नहीं करना है, अब और लोगों को नहीं बिठाना है, हमारा जो एरिया था वो फिलअप हो चुका है। तो ये होता है कॉन्टेक्ट इनिबिशन। तो नॉर्मल सेल स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद अदर सेल, जब वो आपस में कॉन्टेक्ट में आती हैं तो वो स्टॉप कर देती हैं डिवाइडिंग को, पता चल जाता है मेरे बगल में ये आ चुका है, अब मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मेरे आसपास लोगों ने मुझे घेर लिया है। तो ये होता है नॉर्मल सेल का फंक्शन। कैंसरस सेल का क्या फंक्शन होता है, वो उन लोगों को पता, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे बगल में है या फिर मेरे साइड में है या फिर मेरे आगे है, मेरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ ग्रो करना है, उनको सिर्फ चीज़ों को बढ़ाना है, उनको कुछ मतलब नहीं है कि उसके साइड में है या नहीं है, मुझे रुकना है नहीं रुकना है, किसी के लिए रुकना नहीं है, वो अपना अपना काम करते, इतने सेल्फिश होते हैं कि खुद के बारे में सोचते हैं, सामने वाले के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। तो ये जो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो कैंसरस सेल्स में लॉस्ट हो जाती है। अगर कैंसरस सेल्स में ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी तो दैट मीन्स वो ग्रो करते जाएंगे, पाइलअप होते जाएंगे और ग्रो करेंगे और पाइलअप होते जाएंगे और क्या फॉर्म कर देंगे, तुम्हारा ट्यूमर फॉर्म कर देते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कैंसरस सेल्स और नॉर्मल सेल का डिफरेंस है, इसको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में आया हुआ है, मैंने कराया भी है कि विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैंसरस सेल्स एंड द नॉर्मल सेल्स। तो उसमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन दे रखा था, तो उसको याद रखना है, ये एक डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन।
देखो क्या होता है, डेंसिटी डिपेंडेंट इन्हिबिशन का मतलब होता है कि अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करती हूँ, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, जब तुम्हारा मास अपॉन वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो तुम्हें खुद रियलाइज हो जाता है कि नहीं अब मुझे थोड़ा रुकना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान बहुत बड़ा बन जाता है, फिर वो ईगो आने लग जाता है तो लोग उसको छोड़ के जाने लग जाते हैं, फिर बाद में उसको रियलाइजेशन होता है कि नहीं नहीं मुझे थोड़ा अच्छे से बिहेव करना चाहिए, वरना फिर लाइफ में तो कोई रहेगा नहीं, इतने पैसे का क्या फ़ायदा। तो ये क्या होता है, डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन, मतलब जो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है तुम लोगों की तो तुम इनहिबिट करना स्टार्ट कर देते हो कि नहीं अब इससे ज़्यादा नहीं अच्छा लगेगा, इससे ज़्यादा हम ये भी स्टॉप करते हैं। लेकिन अगर कैंसर सेल की बात करती हूँ, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतने सेल्फिश होते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितनी डेंसिटी हो रही है, किसको प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, मैं किसकी लाइफ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को, वो बिल्कुल ग्रो करते जाते हैं। तो जो डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन है ये तुम्हारी नॉर्मल सेल में होता है कि अगर पर्टिकुलर डेंसिटी बढ़ेगी तुम्हारी, अगर ज़्यादा डेंसिटी बढ़ती है तो वहीं पे जो सेल है वो तुम्हारी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। लेकिन अगर मैं ट्यूमर सेल्स की बात करती हूँ तो इनके पास ये वाली प्रॉपर्टी भी लॉस्ट हो जाती है, बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, वो डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन नहीं करेंगे, वो लॉस्ट कर देंगे इस प्रॉपर्टी को भी। तो ये जो होता है तुम्हारा नॉर्मल सेल और कैंसर सेल्स का डिफरेंस है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो व्हेन सेल्स हैव फाउंड अ कंप्लीट सिंगल लेयर दे स्टॉप डिवाइडिंग, अगर मैं उसकी बात करती हूँ नॉर्मल सेल की, तो इसे बोला जाता है डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। लेकिन सम सेल्स आर स्क्रैप्ड अवे द रिमेनिंग सेल डिवाइड टू फिल द डिश, ठीक है ये तुम्हारी नॉर्मल डेंसिटी डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कैंसर सेल्स की, तो वो ग्रो करते जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे फिल हो चुका है कि नहीं हो चुका है, वो पाइलअप करते जाएंगे जैसे कॉन्टेक्ट इनहिबिशन वाले में किया हुआ था। थर्ड है तुम्हारा इमोबिलाइजेशन, जैसे मैंने बोला सेल क्या हो जाएगी, अमर हो जाएगी, मतलब उसको कोई ना मारने वाला पैदा हुआ है ना वो मरेगी, मतलब उसमें अपोप्टोसिस नहीं होगा, उसमें नॉर्मल कोई भी डेथ वाला कोई सीन नहीं होगा, इमोबिलाइजेशन हो जाता है। अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करती हूँ, ठीक है नॉर्मल सेल की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे सेल के पास कैपेसिटी होती है ग्रो करने की, लेकिन एक लिमिट तक होती है। मतलब अगर मैंने बोला है कि तुम्हें 2 इंच ही ग्रो होना है तो वो 2 इंच ही ग्रो होगी, इससे ज़्यादा ग्रो नहीं होने वाले हैं। और एक इसका लाइफ स्पैन होता है, जैसे 24 डेज में तुम्हारी डेथ होनी है पक्का, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक लाइफ स्पैन जो होता है एक सेल का डिसाइड कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी अपोप्टोसिस करा दी जाती है। लेकिन अगर मैं कैंसर सेल की बात करती हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ग्रो करती जाएगी, प्रोलीफरेट करती जाएगी, उसको कोई मारने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो मैलिग्नेंट सेल्स आर इमोर्टल, वो बिल्कुल अमर हैं एंड कैन ग्रो इनडेफिनेटली, वो कितना भी ग्रो कर सकते हैं, इनडेफिनेटली दे कैन ग्रो एंड देयर इज नो वन टू स्टॉप देम, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको स्टॉप करेगा, दे विल ग्रो इमोर्टली, मतलब पूरा का पूरा वो ग्रो करती जाएंगी, ठीक है। नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, सीज का मतलब होता है स्टॉप आफ्टर अ पर्टिकुलर डिवीजन, लाइक 25 जनरेशन उसको जीना था, उसके बाद उसको मरना था, तो एक पर्टिकुलर चीज डिसाइड कर दी कि तुम्हें इतना जीना है, इसके बाद तुम्हें मरना है, ये नॉर्मल सेल का फंक्शन है। लेकिन इमोर्टलाइजेशन अगर आ जाएगा तो वो कैंसर सेल्स का फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज इनवेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कैंसर सेल की बात करती हूँ, अगर तुमने ये नहीं पढ़ा तो तुम्हें पूरा कैंसर नहीं पढ़ा। इन्वेजिवनेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में घुसना, जैसे कभी कभी क्या होता है, जो पड़ोस वाली आंटी होती है हमारे घर में घुसने की कोशिश करती है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करती है कि हाँ कुछ अच्छा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वैसे ही क्या होता है, ये जो कैंसर सेल्स होती हैं इनकी इन्वेजिवनेस की प्रॉपर्टी होती है, ये बिल्कुल ऑर्गन टिश्यूज़ के अंदर जाके देखेंगे क्या मैं यहाँ पे एंट्री मार सकती हूँ, क्या मैं इसके अंदर घुस सकती हूँ, तो वो क्या कर जाती हैं, इन्वेड कर जाती हैं, और इन्वेड करने के बाद अपनी कॉलोनी वहाँ फॉर्म कर लेती हैं। तो ये जो काम होता है वो तुम्हारे कैंसर सेल का काम होता है। सो इन्वेसिवनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ ट्यूमर टू एक्सटेंड इनटू अ सराउंडिंग टिश्यू एंड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ साइन ऑफ मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी का मतलब होता है कि वो एक जगह शांति से नहीं बैठा हुआ है, उसको चाहिए मूव करने के लिए, उसको चाहिए ट्रैवलिंग। और ट्रैवलिंग कैसे होती है, अगर सेल्स में बात करूँगी तो ब्लड के थ्रू ट्रैवलिंग होती है, ऑर्गन जो है तुम्हारे आइलैंड है और ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंसर सेल्स होगी वो ये काम करेगी। एक जो प्रोसेस होता है जिसे बोला जाता है मेटास्टेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करती हूँ, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों का मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर तुम पीएचडी करना चाहते हो कैंसर सेल्स में, अगर तुम्हें ये दोनों चीज़ें नहीं पता इंटरव्यू में, तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं लेने वाले।
मेटास्टेसिस क्या होता है, एक एबिलिटी होती है ट्यूमर की टू मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन इन द बॉडी एंड सेट अप अ शॉप दैट इज स्टार्ट ग्रोइंग देयर. बिनाइन ट्यूमर्स नेवर मेटास्टाइज. कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. इसमें मेटास्टेसिस जैसे मैंने बताया, उसको ट्रेवलिंग का बहुत शौक है. क्या करेगा, जैसे तुम्हारा ट्यूमर यहाँ पे इस ऑर्गन में था, इस ऑर्गन वन में था, ये क्या करेगा, अपनी सेल्स को भेजेगा किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेंगे और इन्हें मिल गया ये वाला ऑर्गन टू. अब ये क्या करेंगे, धीरे धीरे इन्वेड करेंगे, धीरे धीरे इन्वेड करेंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पे अपनी कॉलोनी फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे. दैट इज मेटास्टेसिस कर दिया इन्होंने. क्या करा, दूसरी जगह जाके अपनी कॉलोनी फॉर्म कर ली है. ठीक है, लेकिन अगर मैं बिनाइन ट्यूमर की बात करती हूँ और मेलिग्नेंट ट्यूमर की बात करती हूँ, तो मैंने तुम्हें बताया जो बिनाइन ट्यूमर होता है एक जगह प्रेजेंट होता है, वो मूव नहीं करेगा. तो क्या वो मेटास्टेसिस कर सकता है? वो कभी भी मेटास्टेसिस नहीं करेगा, वो कभी भी ऑर्गन टू ऑर्गन ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा. इसका मतलब होगा अगर क्वेश्चन में आता है नेवर, तो ये एक्सट्रीम वर्ड जरूर है, लेकिन यहाँ पे ये वाला वर्ड जो है बिल्कुल सही है, तो उसको याद रखना है. In order to metastasize, the tumor cells must first invade tissues. पहले इन्वेड करेंगे, देखेंगे हाँ कुछ है, काम का है ये, यहाँ पर मैं एंट्री मार सकती हूँ, तो इन्वेड कर जाएंगे. उसके बाद धीरे धीरे वेसल्स के थ्रू अपना रास्ता बनाएंगे, क्योंकि रास्ता बनाना, अब एक जगह तुम किसी और नई जगह जा रहे हो, और जब तुमने थोड़े थोड़े रास्ते नहीं बताए बनाए या फिर लोगों से जान पहचान नहीं करी, तो कुछ नहीं होने वाला. तो धीरे धीरे वो पहले इन्वेड करेगी, पहले देखेगी सूटेबल है या नहीं है. इन्वेड करने के बाद धीरे धीरे अपनी थोड़ी यहाँ पे पहुँच पहुँचाएगी. कैसे, वेसल्स के थ्रू. ठीक है, वेसल्स के थ्रू यहाँ पे थोड़ी पहुँच पहुँचाएगी. उसके बाद वो धीरे धीरे अपना पूरा का पूरा रास्ता बना देगी और नए टिश्यू में जाके इन्वेड कर जाती है और मेटास्टेसाइज कर देती है. तो आइए समझ में आएगा, मेटास्टेसिस एंड इन्वेसिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज एंजियोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है. एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है, जेनेसिस का मतलब अगर याद रखना है, हमेशा याद रखना है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन. अब किसका फॉर्मेशन हुआ है, एंजियो. एंजियो क्या होता है, ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, उसको बोला जाता है एंजियोजेनेसिस. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स विच लाइन द इनसाइड वॉल ऑफ ब्लड वेसल. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या है कि जब तुम्हारे कैंसर सेल को बिल्कुल ग्रो करना है, उसको माइग्रेट करना है किसी और प्लेस पे जाके, उसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, उसको वेस्कुलर कनेक्शंस बनाने होंगे. अब उसको ब्लड का कनेक्शन तो चाहिए, तो कनेक्शन प्रॉपर बनाने होंगे. तो वो प्रोसेस क्या करता है, एंजियोजेनेसिस प्रोसेस करता है, कि नई ब्लड वेसल्स फॉर्म करता है. ये नई ब्लड वेसल्स फॉर्म करता है, डिफरेंशिएशन कराता है एंडोथेलियल सेल का. जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, तुम्हारे आरबीसीज होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, बेसल ब्लड वेसल्स जो होते हैं, उसकी जो इनर साइड लेयर होती है, उनका डिफरेंशिएशन करा देता है. ठीक है, डिफरेंशिएशन कराएगा पूरा का पूरा, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे वेसल्स की जो सप्लाई होगी वो स्टार्ट हो जाती है और वो अंदर अंदर धीरे 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 इन्वेड कर जाती हैं. सो प्रोसेस ऑफ एंजियोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय द केमिकल सिग्नल इन द बॉडी. Some of these are the vascular endothelial growth factor, which is VEGF, very important, bind to the receptor on the surface of the normal endothelial cells. When the VEGF and other endothelial factors bind to the receptor on the endothelial cell, signal within these cells are initiated that promote the growth and the survival of the new blood cells. Yaad rakhna hai. VEGF क्या होता है, तुम्हारा वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, जो रिस्पॉन्सिबल है न्यू ब्लड वेसल फॉर्म करने के लिए. तो क्या होता है, ये जो तुम्हारे कैंसर सेल्स होते हैं, वो इसका सीक्रेशन थोड़ा अच्छा सा करवा देते हैं और तुम्हारा एंजियोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवा देते हैं. नई नई ब्लड वेसल्स बना देंगे, प्रॉपर सप्लाई मिलेगी, तो वो नए ऑर्गन में अच्छे से इन्वेड कर पाएंगे. तो ये होता है एंजियोजेनेसिस. इसको देख लेते हैं एक बार. देखो, ये तुम्हारा एक ट्यूमर था, बिनाइन ट्यूमर था, एक जगह प्रेजेंट था. ठीक है, अभी तक इसने मेलिग्नेंसी वाला कोई फॉर्म नहीं लिया था. ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर था तुम्हारा, एक पर्टिकुलर जगह पे कन्फाइंड होगा. अब क्या हुआ कि ये बिनाइन ट्यूमर हमें लगा, लेकिन क्या करता है, इसके अंदर पावर थी. इसके अंदर क्या पावर थी, कि ये तुम्हारा मेलिग्नेंसी भी शो कर सकता है, मतलब ये तुम्हारा मेटास्टेसिस भी शो कर सकता है, ये फ्लो भी कर सकता है. तो क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा. जब ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, तो इसकी कुछ सेल जो होंगी ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ होंगी, ट्रेवल करेंगी, और ट्रेवल करने के बाद
तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच जाएंगे। जैसे अगर तुम्हारा माना यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच के धीरे धीरे क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पे इन्वेड करना स्टार्ट कर देंगे। देखो घुस गई अंदर, इन्वेड कर दिया, और इन्वेड करने के बाद यहाँ पे एंजियोजेनेसिस वाला प्रोसेस करेंगे, और क्या कर जाएंगे, मेटास्टेसिस वाला प्रोसेस यहाँ पे कर देंगे, फिर दोबारा से ग्रो करेंगे। तो ये पूरे के पूरे ऑर्गन या बॉडी पार्ट्स में ऐसे ग्रो कर सकती हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटास्टेसिस, और जिसमें हेल्प कौन कर रहा है, तुम्हारा एंजियोजेनेसिस वाला जो प्रोसेस है वो हेल्प कर रहा है। तो ये होता है तुम्हारा, अगर मैं बात करती हूँ मेटास्टेसिस एंजियोजेनेसिस की। सिक्स्थ वाला आता है लॉस ऑफ एंकरेज डिपेंडेंस। देखो एंकरेज का मतलब होता है कि आपस में अगर जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं, एक सबस्ट्रेटम चाहिए होता है, मतलब हमें अर्थ चाहिए। बिना अर्थ के तुम ऐसा तो है नहीं कि हवा में चल रहे हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही अगर नॉर्मल सेल को ग्रो करना है तो उनको एक सबस्ट्रेटम चाहिए ग्रो करने के लिए। अगर उन्हें वो सबस्ट्रेटम नहीं मिलता है तो वो ग्रो नहीं कर पाती है, ठीक है। तो उन्हें सबस्ट्रेटम चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो मोस्ट नॉर्मल सेल मस्ट बी अटैच्ड टू द रिजर्व सबस्ट्रेटम इन ऑर्डर टू ग्रो। अगर उन्हें ग्रो करना है, एक सबस्ट्रेटम चाहिए जिसके बेसिस पे वो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कैंसरस सेल्स की बात करती हूँ या फिर ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स की बात करती हूँ, वो तब भी ग्रो कर सकती हैं, ग्रो इवन वेन दे आर नॉट अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। जब वो तुम्हारे सबस्ट्रेटम से अटैच्ड नहीं है तभी भी वो ग्रो कर सकती हैं। तो ये जो जो पावर है वो तुम्हारे किसके पास है, कैंसरस सेल्स के पास में है। देखो ये तुम्हारी नॉर्मल सेल्स थी, ये तुम्हारी बिल्कुल जब सरफेस से अटैचमेंट मिला है, मतलब जब सबस्ट्रेटम मिला है तभी ये ग्रो कर पाई हैं। अगर ये मैं वाटर की बात करती हूँ, यहाँ पे कहीं भी ग्रो नहीं कर पाई हैं, इनको इतनी पावर है ही नहीं कि वहाँ पे ग्रो कर जाए। लेकिन अगर तुम कैंसरस सेल्स को देखोगे, उन्होंने प्रॉपर्टी जो थी लूज कर दी एंकरेज डिपेंडेंस वाली, एंड कैन ट्रेवल टू द न्यू लोकेशन, और वो नई नई लोकेशन पे भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये जो पावर है वो तुम्हारे कैंसरस सेल्स के पास में है, लेकिन तुम्हारे नॉर्मल सेल्स के पास में ये वाली पावर नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज हैं कैंसर सेल्स की, लोअर ग्रोथ फैक्टर्स रिक्वायरमेंट। अब मैं एक बात बताती हूँ, अगर नॉर्मल सेल को तुम्हें अगर सर्वाइव करना है तो हमें, जैसे अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान इज रिक्वायरमेंट ऑफ आर्स। अगर हमें वो प्रॉपरली नहीं मिलेगा, वी कैन नॉट सर्वाइव। सर्वाइव तो हम कर जाएंगे, बट स्टिल वी नीड दीज थिंग्स इन आर लाइफ। अगर खाना नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट सर्वाइव। तो वो, अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करें तो हमारा जो ग्रोथ फैक्टर्स जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है, अगर वो नहीं मिलेगा विल नॉट सर्वाइव। लेकिन अगर मैं कैंसर सेल्स की बात करती हूँ तो उनमें ऐसा कुछ भी फंक्शन नहीं होता है। दे कैन ग्रो इवन इन अ वेरी लिटिल ग्रोथ फैक्टर्स वी आर प्रोवाइडिंग। अगर मैं उनको बहुत कम ग्रोथ फैक्टर्स भी प्रोवाइड करूँगी तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना बहुत कम है, मतलब उनके जो सरदार जी हैं कैंसर सेल्स के, वो ज़्यादा काम करा सकते हैं और पैसे बिल्कुल कम देते हैं, फिर भी लोग काम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों काम कर रहे हैं, आई डोंट नो। तो ये जो है तुम्हारे कैंसर सेल का फंक्शन होता है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वो नहीं है। लोअर ग्रोथ फैक्टर्स रिक्वायरमेंट, आई होप ये बच्चों को डिफ्रेंशिएट करना आता हो कि कब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ और कब उस चीज़ को रिलेट कर रही हूँ। तो ये तुम्हारा इसका मतलब नहीं होता है, ये एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं समझाती हूँ। Now, normal cells grown in the culture requires a various growth factors to continue the proliferating. Yes, अगर तुम्हें normal cell को किसी को grow करना है तो then we need to require a growth factors, और वो भी continuously provide करना पड़ेगा तभी proliferate कर पाएंगे। जैसे अगर तुमने कभी जब तुमने बैक्टीरिया की ग्रोथ करी हो तो जब वो ग्रो कर जाते हैं उसके बाद क्या होता है, मैं थोड़े टाइम के बाद उसका न्यूट्रिएंट जो है, जो उसका मीडिया है, वो चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम्हारा क्या होते हैं, उनके बाय प्रोडक्ट्स रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट का अमाउंट है वो कम हो जाता है, बैक्टीरिया उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके नॉर्मल साइज को अगर ग्रो करना है, वी नीड टू गिव देम ग्रोथ फैक्टर्स कॉन्टिन्यूअली, उनको कॉन्टिन्यूसली देना पड़ेगा। इफ विल नॉट प्रोवाइड तो वो नहीं ग्रो कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं कैंसरस सेल्स की बात करती हूँ, जो ट्यूमर सेल्स होती हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी है कि वो अपना ग्रोथ फैक्टर्स खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूस देयर ओन ग्रोथ फैक्टर्स एंड बाइंड एंड स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर दैट आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द सेम ट्यूमर सेल्स दैट आर प्रोड्यूसिंग अ ग्रोथ फैक्टर्स। तो उन्हें बाहर से कोई जरूरत नहीं है कि तुम मुझे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तुम खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो, वो ग्रो करते जाएंगे। उनके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो ग्रो करती जाएंगी। This result in a continuous self-generated, very important, proliferative signal known as autocrine stimulation, very important. तो जो कैंसर सेल्स होती हैं खुद को ही सिग्नल देती रहती हैं जब उन्हें खाना खाना होता है कि बनाओ और खाना बनाओ और खाना बनाओ,
ठीक है, तो इसकी वजह से खुद को स्टिमुलेशन करती रहती है कि मुझे और ग्रो करना है, प्रोलीफरेट करना है, मुझे अभी ये वाला ग्रोथ फैक्टर चाहिए, वो वाला ग्रोथ फैक्टर चाहिए, तो वो खुद को ही ऑटोक्राइन स्टिमुलेशन करती रहती हैं। ह्यूमर सेल्स कॉन्टिन्यूअसली इवन द एब्सेंस ऑफ एक्सोजीनस प्रोलीफरेटिव सिग्नल, अगर बाहर से कोई सिग्नल नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो खुद से ही बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर वाले इंसान की। तो ये होता है हमारे कैंसर सेल्स का एक और प्रॉपर्टी। नाउ फेल टू अंडरगो अपोप्टोसिस, अगर मैं बात करती हूँ अपोप्टोसिस प्रोसेस की, जैसे तुम्हारी नॉर्मल सेल हो गई, ठीक है, नॉर्मल सेल से ये, अब क्या हुआ इसका जो डिसाइड था, जो दिन डिसाइड थे 25 डेज इसके डिसाइडेड थे कि इसके बाद उसको मर जाना है। अब क्या हुआ, ये सेल क्या करेगी, हो सकता है इंट्रिंसिक पाथवे पे जाए, ये भी मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, है ना, और एक्सट्रिंसिक पाथवे पे जाए, तो ये हो सकता है कोई भी एपोप्टोटिक पाथवे चूज कर सकती है। अब इसने माना कि इसमें इंट्रिंसिक पाथवे चूज कर लिया, तो तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारी कैसपेसिस काम में आएंगी। ये कैसपेसिस क्या करती हैं, तुम्हारे उस सेल का, इस नॉर्मल सेल का क्या करा देंगे, अपोप्टोसिस करा देंगे, मतलब उसका पूरा का पूरा उसका डेथ करा देंगे, उसके सारे के सारे चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग अच्छी अच्छी जगह में पहुंचा देती हैं, जिसकी वजह से वो यूज भी हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कैंसरस सेल्स की बात करती हूँ, तो जो कैंसरस सेल्स हैं वो कभी भी अपोप्टोसिस में नहीं जाएंगे, वो इतनी इमॉर्टल होती हैं कि वो फेल टू अंडरगो अपोप्टोसिस, तो अपोप्टोसिस में नहीं जाती हैं। तो जो पहली सेल्स थी वो तो है ही है, और भी ग्रो करती जा रही हैं, वो भी ग्रो करती जा रही हैं, वो भी ग्रो करती जा रही हैं, तो कितना सारा अमाउंट हो जाता है सेल्स का। तो ये होता है तुम्हारा ट्यूमरस सेल्स, अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो। नाउ डिफरेंस बिटवीन द बिनाइन एंड द मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, तो एक बार ये डिफरेंस पढ़ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है, तो एक बार मैंने वैसे समझा दिया है बट अभी भी फिर भी एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स की अगर मैं बात करती हूँ, डोंट इन्वेट नियर बाई टिश्यूज, तो तुम्हें पता है कि वो इन्वेट नहीं करते नियर बाई टिश्यूज में, वो एक जगह कन्फाइंड रहेंगे, एक जगह बिल्कुल बैठे रहेंगे, उनको शांति से ज़िंदगी जीना पसंद है कि अगर मैं ट्यूमर भी हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं शांति से ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे कोई निकाल के फेंकेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करते हैं, तो ये होते हैं तुम्हारे कौन से एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ये पंगा ले लेते हैं तुम्हारी बॉडी से, देयर एबल टू इन्वेड नियर बाई टिश्यूज, तो ये इन्वेड करना स्टार्ट कर देते हैं। कांट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यस, क्योंकि इन्वेड नहीं करेंगे कहीं और नहीं जाएंगे तो कांट स्प्रेड, लेकिन ये तो तुम्हारे स्प्रेड हो सकते हैं। कैसे स्प्रेड होते हैं, ब्लड के थ्रू या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, ये अदर बॉडी पार्ट्स में जाते हैं और वहाँ नए नए ट्यूमर्स फॉर्म कर देते हैं। ये तुम्हारा किसका फंक्शन होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर का फंक्शन होता है। Normally don't return after they are removed. अगर एक बार रिमूव कर दिया गया तो दोबारा तुम्हारे नहीं आएंगे वापस, तो बहुत सही होता है अगर बिनाइन ट्यूमर का निकालना अगर वो है तो, इतना कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, फेटल नहीं है ये चीज़ ज़्यादा। लेकिन अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करती हूँ, ये तुम्हारा क्या होता है, तुमने एक जगह से निकाला वो तुम्हें दूसरी जगह फिर मिल जाएगा, तो ये कैन दे कैन रिटर्न, तो इनका मतलब कोई, अगर तुमने ऐसा सोचा कि हाँ मैंने अब मेलिग्नेंट ट्यूमर था उसको और मैंने उसको वहाँ से निकाल दिया तो क्या अब कभी नहीं होगा, तो पता नहीं है, वो कभी भी हो सकता है दोबारा से, तो चांसेस होते हैं कि वापस से फिर से वो रिटर्न कर सकता है, अगर एक भी सेल उसकी रह गई तो वो वापस से फिर से आ जाएगा। यूजली हैव अ स्मूथ रेगुलर शेप, जबकि इनकी जो होती है अनइवन शेप होती है, इनका शेप भी चेंज हो जाता है मेलिग्नेंट ट्यूमर्स का, लेकिन इनका फिर भी रेगुलर शेप जैसा ही रहता है सेल का जो शेप होता है। ऑफन मूव अराउंड इफ यू पुश ऑन देम, ठीक है, तो अगर बिनाइन ट्यूमर, अगर तुमने देखा हो कि जैसे अगर यहाँ पर बिनाइन ट्यूमर हो गया और तुम उसको दबाओगे ना, तो वो इधर उधर मूव भी कर जाएगा, है ना, इधर उधर मूव भी कर जाता है, लेकिन अगर तुम मेलिग्नेंट ट्यूमर को दबाओगे वो कभी भी इधर उधर मूव नहीं करेगा, पुश नहीं, तुम पुश करोगे कभी मूव नहीं करेगा अराउंड, टिपिकली नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, तो ये जैसे मैंने बताया इतना फेटल नहीं होता है बिनाइन ट्यूमर, तो इनको इजिली रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन ये जो होते हैं तुम्हारे लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, बहुत डरावने हो सकते हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल है। मे और मे नॉट नीड ट्रीटमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैं बिनाइन ट्यूमर की बात करती हूँ, जैसे मैंने बताया कुछ लोगों का अगर बिनाइन ट्यूमर हो जाता है वो पूरी लाइफ निकाल देते हैं अपनी और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, अगर वो तुम्हारी किसी बॉडी की किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर रहे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करती हूँ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की, तो बिना रिक्वायरमेंट बिना ट्रीटमेंट के तो इनका कुछ होता ही नहीं है, उसके इंसान ही मतलब लाइफ सेटनिंग हो जाती है उसकी डिजीज़, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट की बहुत ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट की बहुत ज़रूरत हो जाती है। देखो यहाँ पे एक और उसके थ्रू समझाया है,
ये तुम्हारी एक सेल हो गई जो जेनेटिकली ऑल्टर्ड एपिथीलियल सेल्स थी, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे 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 इंक्रीज करना स्टार्ट किया, हाइपरप्लेजिया मतलब सेल डिवाइड मोर रैपिडली देन नॉर्मल। हाइपरप्लेजिया, प्लेजिया मतलब तो होता है सेल डिवीजन, लेकिन हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में। डिसप्लेजिया का मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी चेंज फॉर्म ही चेंज कर ली है, उसने फॉर्म चेंज कर ली है अपनी, ये होता है सेल चेंज फॉर्म इज डिसप्लेजिया कर लिया। हाइपरप्लेजिया फिर डिसप्लेजिया। फिर आता है इन सीटू कैंसर, मतलब जो सेल है वो एक जगह पे रहेंगी, बाद में क्या होता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाती हैं, वो इन्वेड करना स्टार्ट कर देती है नॉर्मल टिश्यू को, एंटर कर देती है ब्लड में, लिम्फ में, और मेटास्टेसिस कर देती हैं फॉर्म एट अ डिस्टेंट साइट्स। तो ये तुम्हारे नए नई जगह पे जाके मेटास्टेसिस करना स्टार्ट कर देती हैं और इन्वेड कर देती हैं किसी और टिश्यूज में। तो ये जो होता है तुम्हारा कैंसर सेल का पूरा रोल होता है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ द कैंसर, कैंसर के कॉजेज क्या हैं, मतलब कैंसर होता कैसे है। म्यूटाजेंस, कोई एक्सपोजर हुआ है तुम्हें कोई भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, रेडिएटिव मटेरियल से, तो वहाँ पे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि तुम्हें म्यूटेशन हो सकती है बॉडी में, एंड दिस म्यूटेशन कैन बी लीड टू कॉज ऑफ कैंसर, तो वो तुम्हारा कैंसर भी कॉज कर सकती है। तो जो म्यूटाजेंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तुम्हारा यूवी रेस का एक्सपोजर हो गया है, रेडियोएक्टिव एक्सपोजर हो गया है, तो ये तुम्हारे रिस्क फैक्टर होते हैं कैंसर कॉज करने के लिए। स्मोक हो गया, लोग स्मोक करते हैं और इससे लंग कैंसर हो जाता है, क्योंकि उसमें म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो तुम्हारा जो 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 सेल्स का जो क्या बोलते हैं डिवाइडिंग प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। तो स्मोक्स भी तुम्हारे कैंसर कॉज करते हैं, इवन बहुत ज़्यादा। लंग कैंसर तो बहुत ज़्यादा फेटल होता है, बहुत फेटल होता है। तो ये स्मोक वाला तो आइडिया अगर कोई भी सोचता है तो इसको बिल्कुल ड्रॉप कर देना चाहिए। एक बार अगर कोई भी, मानती हूँ जब जनरेशन तुम्हारी एडल्ट जनरेशन आती है तो एक बार एडवेंचर के फॉर्म में तुम्हें करनी होती चीज़ें, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर तुम स्मोक रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बैड आइडिया। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम अपनी लाइफ से थ्रेटनिंग मतलब उसमें डाल रहे हो, लेकिन तुम अपने घर वाले जो आसपास वाले लोग हैं ना उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। तो स्मोक वाला जो आइडिया है बिल्कुल ड्रॉप करना चाहिए, अगर कोई भी करता है तो प्लीज़ अभी अभी ड्रॉप कर देना चाहिए इस आइडिया को। तो एफ्लाटॉक्सिन आर अ फैमिली ऑफ द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय द सर्टेन फंजाई। तो जो एफ्लाटॉक्सिन होता है वो तुम्हारी एक फंजाई जो है वो तुम्हारे इसको सीक्रेट करती है, और जो मेन फंजाई है जो इसको प्रोड्यूस करती है वो होती है एस्परगिलस फ्लेबस या फिर एस्परगिलस पैरासिटिकस। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी आ सकता है, और तुम्हारा होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन वाला जो है वहाँ पे भी आ सकता है, तो इसको याद रखना है। जब हमारा एक्सपोजर होता है एफ्लाटॉक्सिन से, ये भी तुम्हारा हाई रिस्क होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ा देता है कैंसर कॉज करने के लिए, और बेसिकली तुम्हारा लिवर कैंसर करने के बहुत सारे रिस्क बढ़ा देता है। तो ये जो एफ्लाटॉक्सिन है वो भी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर के लिए। प्रमोटर्स, तुम्हें पता है कि अगर किसी भी चीज़ का ट्रांसक्रिप्शन कराना है यहाँ पे प्रमोटर्स चाहिए। अगर इन प्रमोटर्स में कोई भी म्यूटेशन हो जाती है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और वो क्या हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूटिवली ओपन हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिवली ओपन का मतलब होता है कि वो हमेशा के लिए खुल गए, और जैसे ही खुलने लग जाएंगे वो क्या होगा, उनका जो नंबर है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रमोटर ही एक्टिवेट रहेगा तो वो चीज़ों को रोकेगा ही नहीं, चीज़ें बढ़ती जाएंगी, सेल की ग्रोथ हो जाएगी, सेल का प्रोलिफरेशन होता जाएगा, सेल का डिवीजन होता जाएगा, और वहाँ पे तुम्हारा लिवर जो कैंसर है वो होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मल एस्टर। देखो ये फॉर्मल एस्टर, ये मैं तुम्हें उसके थ्रू भी समझा चुकी थी जब मैं बात करती थी किसकी सेल सिग्नलिंग की बात करी, तभी मैंने समझाया था कि यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा जो CMP का फॉर्मेशन है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर CMP का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, प्रोटीन काइनेज सी का एक्टिवेट हो जाएगा, और वहाँ पे सेल प्रोलिफरेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखनी है, ये तो मैंने तुम्हें आई थिंक बहुत अच्छे से समझाई हुई भी है, तो इस चीज़ को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन किसमें होता है, फीमेल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है, मेल्स में भी होता है, लेकिन जो फीमेल का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ईस्ट्रोजन का वो ज़्यादा होता है। अगर इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तो ये प्रोलीफरेशन कर सकता है यूटराइन एंडोमेट्रियम का, तो वहाँ पे तुम्हारा कैंसर कॉज कर सकता है। और तुम्हारा जो ब्रेस्ट जो कैंसर होता है उसमें भी जो फंक्शन होता है ईस्ट्रोजन का काफ़ी हो जाता है, वहाँ पे ये तुम्हारा ब्रेस्ट कैंसर भी कर सकता है। और आई थिंक बहुत कॉमन हो गया है ब्रेस्ट कैंसर तो आजकल, लेकिन ये फेटल नहीं है इतना फेटल नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत हैं, ये बहुत होने के चांसेस हैं, फेटल नहीं है लेकिन चांसेस बहुत हैं इसके। तो फीमेल्स को बहुत अच्छे से इन चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए, अपनी लाइफ साइकिल को, जो तुम्हारा डाइट प्लान्स हैं और तुम्हारा एवरीडे जो लाइफ है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना चाहिए,
ठीक है, तो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन रखना चाहिए, वरना ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्रोटोन ऑयल की अगर मैं बात करती हूँ, तो जो ये क्रोटोन ऑयल है ना तुम्हारा, ये क्या होता है, तुम्हें मिलता है क्रोटोनिस ऑलियम, ठीक है, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सीड ऑफ क्रोटोन टिगलियम, ठीक है, क्रोटोन टिगलियम से आता है। और ये जो क्रोटोन ऑयल है एक कंपाउंड सीक्रेट करता है जिसका नाम है फॉर्बोल, और अभी बता चुकी हूँ ये जो फॉर्बोल एस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है, कैंसर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जो CNP सिक्रेशन है उसको इंक्रीज कर देता है, उसको कॉन्स्टिट्यूटिवली ओपन कर देगा, उसको इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ, सेल प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा वायरस किस में आता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड, पहले DNA और RNA का पता करना कि कौन DNA का है कौन RNA का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा प्राइमरी इन्फेक्शन आई थिंक एक दो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैस ये वाला जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बताती जाऊँगी। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये DNA वाले याद रखो सारे के सारे। ये तुम्हारे स्किन लेजाइंस करेगा, जेनेटल वॉट्स करेगा, आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो ये भी आई थिंक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है DNA जो होता है वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल, डबल स्टैंडर्ड जो DNA होता है वो तुम्हारे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में होता है। एप्स्टीन बार वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, DSDNA होता है, इसको याद रखना है। और बर्किट्स लिम्फोमा ही कॉज करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। EBV जो वायरस होगा वो तुम्हारा बर्किट्स लिम्फोमा करेगा, डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी बोला है, मैंने बी बोला है, ए नहीं बोला है, बी DNA जैसे हमारे अंदर होता है ना, बी DNA वैसे याद रखो। हेपेटाइटिस बी जो होता है डबल स्टैंडर्ड DNA की वजह से होता है, और तुम्हारा हेपेटिक कैंसर करेगा, क्योंकि हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस मतलब हेपेटिक कैंसर करेगा, हेपेटिक मतलब क्या होता है, लिवर कैंसर, ठीक है। हेपेटाइटिस सी अगर आएगा तो सी जो होता है वो तुम्हारा RNA में होता है, वो किस में होता है, RNA में होता है, और ये भी तुम्हारा हेपेटिक कैंसर कॉज करता है। ह्यूमन हर्पिस वायरस 8, ये तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड DNA से होगा, और ये हर्पिस वायरस करेगा, और कापोसी सर्कोमा वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लिम्फोमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ह्यूमन हर्पिस वायरस का आता है तो याद रखना है डबल स्टैंडर्ड DNA है, हर्पिस करेगा, कापोसी सर्कोमा एंड लिम्फोमा, ये चीज़ याद रखनी है। HTLV इज फ्रॉम RNA, RNA से होता है, और ये तुम्हारा लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया करता है, तो ये ल्यूकेमिया याद रखो, HTLV जो होगा ल्यूकेमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। HIV आई थिंक सबको पता है, ये तुम्हारा RNA के थ्रू होता है, इसमें एड्स कॉज हो सकता है, ठीक, प्राइमरी जो इन्फेक्शन होगा एड्स होगा, बाद में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन ये एड्स तक याद रखना है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं। मार्केज सेल पॉलीमोमा, अगर पॉलीओमा का याद रखना है तो याद रख लो, डबल स्टैंडर्ड DNA और स्किन कैंसर है, लेकिन आई थिंक सारे इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है एक बार इन चीज़ों को। अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ कैंसर की। अभी कैटेगरीज ऑफ कैंसर की बात करती हूँ, यहाँ से बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम 10 मतलब मैं बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, कार्सिनोमा क्या होता है, मैम सर्कोमा क्या होता है, ल्यूकेमिया क्या होता है, लिम्फोमा एंड माइलोमा क्या होता है, तो आज ये ढंग से पढ़ते हैं। कार्सिनोमा का मतलब होता है कि जब तुम्हारे किसी स्किन में या फिर टिश्यूज में दैट लाइन और कवर द इंटरनल ऑर्गन्स, तो जो कार्सिनोमा जो होता है तुम्हारे स्किन में हो गया है, टिश्यूज में जब कोई कैंसर होता है उसको बोला जाता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब कार की जो कवरिंग है ना, कार की जो कवरिंग है, मतलब जो तुम्हारी स्किन हो गई, टिश्यूज हो गए, तो कार की कवरिंग से याद रखो कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा होगा तुम्हारी कवरिंग वाले एरियाज पे होगा, मतलब स्किन पे होगा, टिश्यूज पे होगा, जो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो कवर कर रहा है उसके लिए जो कॉज करता है, जहाँ पे जो कैंसर होगा उसको बोला जाता है कार्सिनोमा। इसको याद रखो ऐसे तो आई थिंक याद रहेगा। सार्कोमा, सार्कोमा मतलब याद रखो सार्कोमा इज, तुम क्या करते हो, तुम जिम जाते हो, जिम जाने के बाद बहुत सारा तुम वेट उठाते हो, लिफ्ट करते हो, और क्या होता है बहुत सारे थक जाते हो, स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा ये जो मसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं,
तो वैसे याद रखो तुमने क्या करा, जिम करा, वहां पे बहुत सारा सार्कोमा करा, सार्कोमा एक एक्सरसाइज बोल लो, ठीक है, एक्सरसाइज करी सार्कोमा, और जैसे तुमने सार्कोमा करा, तुम्हारी बोन्स में, तुम्हारी कार्टिलेज में, तुम्हारी मसल्स में, ब्लड वेसल्स में, कनेक्टिव टिश्यूज, बेसिकली जो तुम्हारी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, अगर वहाँ कैंसर होने के चांसेस होते हैं, वहाँ अगर कैंसर होता है उसको बोला जाता है सार्कोमा। तो सार्कोमा को याद रखो एक जिम की कोई एक्सरसाइज है जो तुम्हें करके आते हो, जो तुम्हारी मसल्स में पेन होता है, तुम्हारी बोन्स में पेन होता है, तुम्हारी कनेक्टिव टिश्यू में अगर पेन होगा तो वो इसे याद रखो। तो जो कैंसर सेल जो होती हैं अगर वो तुम्हारे इनमें होती है तो उसको बोला जाता है सार्कोमा। नेक्स्ट इज ल्यूकेमिया। अब ईमिया क्या होता है, अनीमिया हो गया तुम्हारा। अनीमिया कब बोलते हैं, जब ब्लड की कमी होती है। तो जो ईमिया वाली चीज आती है कहाँ पे आएगी, ब्लड वाली चीज में आएगी, ब्लड वाली चीज में आएगी, मतलब जब तुम्हें ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज में अगर कैंसर होता है या ब्लड में कोई कैंसर होता है उसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। तो कैंसर दैट स्टार्ट इन द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू सच एज बोन मैरो कॉजेज अ लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल्स टू बी प्रोड्यूस एंड एंटर द ब्लड, उसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंस आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कभी भी इन चीजों में भी घुमा सकते हैं आपको। लिम्फोमा एंड माइलोमा। लिम्फोमा एंड माइलोमा अगर तुम्हें बेटा पता हो, लिम्फोसाइट्स होती हैं तुम्हारी, ठीक है, लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। ये जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट हो गए उनको क्या बोलते हैं, लिम्फोमा। लिम्फोमा ऐसे याद रखो। तो जाकर तुम्हारी इम्यून सेल्स में अगर कैंसर हो जाता है, किसी भी इम्यून सेल में कैंसर कैंसर हो जाएगा उसको बोला जाता है लिम्फोमा या फिर माइलोमा। आई होप ये डिफरेंस समझ में आए होगा। कार्सिनोमा मतलब जो तुम्हारे स्किन को कवर करके रखेगा। सार्कोमा मतलब तुमने जिम गए या पे वाली एक्सरसाइज करी सार्कोमा वाली तो तुम्हारी कनेक्टिव टिश्यूज में पेन हो गया। ल्यूकेमिया मतलब ईमिया अनीमिया, तो मतलब तुम्हारे ब्लड में कुछ हो गया प्रॉब्लम। लिम्फोमा मतलब लिम्फोसाइट, तो तुम्हारी इम्यून सेल में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो आई आई होप आई विश के तुम लोग को ये समझ में आए हो। नेक्स्ट इज कैंसर रिलेटेड जीन्स। तो आई थिंक कैंसर रिलेटेड जीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन की बात करी जाती है तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन, सप्रेसर जीन है मतलब ये ट्यूमर को सप्रेस करता है, ट्यूमर को बिल्कुल ऐसे कम करके रखेगा कि तू बढ़ना चाहता है, मैं तुम्हें बढ़ने नहीं दूंगा। तो ट्यूमर को क्या करके रखता है, बिल्कुल सप्रेस करके रखता है ये। तो एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। दे लिमिट द सेल ग्रोथ बाय मॉनिटरिंग हाउ क्विकली डिवाइड इन टू द न्यू सेल्स। तो ये क्या करता है, मॉनिटर करके रखता है कि अगर कोई सेल ज़्यादा इंक्रीज हो रही है उसको बिल्कुल ऐसे दबा देगा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ज़्यादा ग्रो करने की। तुम नई सेल हो, धीरे धीरे ग्रो करो, इतना ग्रो करना है, इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करना है। तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन की क्या होते हैं, ये तुम्हारा एक ऑर्डर देता रहता है कि इससे ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आई होप आई अभी इतना ही यहाँ तक रखते हैं इसको पूरा के पूरे को। उसके बाद ये जो जीन्स हैं हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, मतलब मैं नेक्स्ट क्लास बना दूंगी जहाँ पे जीन्स के पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक आज इतना ही इनफ है। सो अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से अनअकैडमी में मेरी क्लास होती है। तो आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो मेरी जो नोटिफिकेशन हैं क्लास के वो आ जाएंगे आपके पास, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। कुमकुम गौतम से नाम से सर्च करना है। अगर आप प्लस पे आना चाहते हैं या पेड क्लासेस पे आना चाहते हैं तो वेलकम। तो आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए आप 6 मंथ्स का ले सकते हैं, 12 मंथ्स का ले सकते हैं, 4 मंथ्स का ले सकते हैं। अगर आपको 12 मंथ्स का लेना है तो वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पे पूरी रेगुलर क्लासेस होती हैं, आपको पूरा कोर्स कम्प्लीट कराया जाता है, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, ये नहीं भूलना है। आपको इसके बाद 10% ऑफ मिलेगा और अबाउट 10,395 आपको पे करना होता है, 1 साल का अमाउंट होता है ये। आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आप EMI के थ्रू कर सकते हैं, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, तो आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है और सब्सक्रिप्शन ले लेना है बाय अप्लाइंग अ कुमकुम 10, जिसके बाद आपके पास 10% ऑफ मिल जाएगा और मेरे कोर्स के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के टीचर्स हैं आपको सबके कोर्सेस मिल जाते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।